सिद्धार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम दान धर्म पर्व 104वां अध्याय आयु के वृद्धि और क्षय करने वाले शुभाशुभ कर्मों के वर्णन से गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक निरूपण। जो मनुष्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन करता है उसे दीर्घायु, जो दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन करता है उसे यश, जो पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करता है उसे धन, और जो उत्तराभिमुख होकर भोजन करता है उसे सत्य की प्राप्ति होती है। अग्नि का स्पर्श करके जल से संपूर्ण इंद्रियों का, सब अंगों का, नाभि का और दोनों हथेलियों का स्पर्श करे। भूसी, भस्म, बाल और मुर्दे की खोपड़ी आदि पर कभी न बैठे। दूसरे के नहाए हुए जल का दूर से ही त्याग कर दे। शांति होम करे, सावित्र संज्ञक मंत्रों का जप और स्वाध्याय करे। बैठकर ही भोजन करे, चलते फिरते कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। खड़ा होकर पेशाब ना करे, राख में और गौशाला में भी मूत्र का त्याग ना करे। भीगे पैर भोजन तो करे परंतु शयन ना करे। भीगे पैर भोजन करने वाला मनुष्य 100 वर्षों तक जीवन धारण करता है। भोजन करके मुंह हाथ धोए बिना मनुष्य उच्छिष्ट रहता है। ऐसी अवस्था में उसे अग्नि, गौ तथा ब्राह्मण, इन 3 तेजस्वियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आचरण करने से आयु का नाश नहीं होता। उच्छिष्ट मनुष्य को सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इन त्रिविध तेजों की ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। वृद्ध पुरुष के आने पर तरुण पुरुष के प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ऐसी दशा में जब वो खड़ा होकर वृद्ध पुरुषों का स्वागत और उन्हें प्रणाम करता है, तब वो प्राण पुनः पूर्वावस्था में आ जाते हैं। इसलिए जब कोई वृद्ध पुरुष अपने पास आए तब उसे प्रणाम करके बैठने को आसन दें और स्वयं हाथ जोड़कर उसकी सेवा में उपस्थित रहें। फिर जब वो जाने लगे तब उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाएं। फटे हुए आसन पर ना बैठें, फूटी हुई कांसी की थाली को काम में ना लें, एक ही वस्त्र पहनकर भोजन ना करें, नग्न होकर स्नान ना करें, नंगे होकर ना सोएं, उच्छिष्ट अवस्था में भी शयन ना करें, जूठे हाथ से मस्तक का स्पर्श ना करें, क्योंकि समस्त प्राण मस्तक के ही आश्रित हैं। सिर के बाल पकड़कर खींचना और मस्तक पर प्रहार करना वर्जित है। दोनों हाथ सटाकर उनसे अपना सिर न खुजलाएं, बारंबार मस्तक पर पानी न डालें। इन सब बातों के पालन से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती है। सिर पर तेल लगाने के बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए और तेल के बने हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती है। जूठे मुंह, न पढ़ावें तथा उच्छिष्ट अवस्था में स्वयं भी कभी स्वाध्याय न करें। यदि दुर्गंध युक्त वायु चले तब तो मन से स्वाध्याय का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। प्राचीन इतिहास के जानकार लोग इस विषय में यमराज की गाई हुई गाथा सुनाया करते हैं। जो मनुष्य जूठे मुंह उठकर दौड़ता और स्वाध्याय करता है, मैं उसकी आयु नष्ट कर देता हूं और उसकी संतानों को भी उससे छीन लेता हूं। जो द्विज मोहवश अनध्याय के समय भी अध्ययन करता है, उसके वैदिक ज्ञान और आयु का भी नाश हो जाता है। अतः सावधान पुरुष को निषिद्ध समय में कभी वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो सूर्य, अग्नि, गौ तथा ब्राह्मणों की ओर मुंह करके पेशाब करते हैं और जो बीच रास्ते में मूतते हैं, वो सब गतायु हो जाते हैं। मल और मूत्र दोनों का त्याग दिन में उत्तराभिमुख होकर करें और रात में दक्षिणाभिमुख। ऐसा करने से आयु का नाश नहीं होता। जिसे दीर्घ काल तक जीवित रहने की इच्छा हो, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और सर्प, इन तीनों के दुर्बल होने पर भी इनको न छेड़े, क्योंकि ये सभी बड़े जहरीले होते हैं। क्रोध में भरा हुआ सांप जहां तक आंखों से देख पाता है वहां तक धावा करके काटता है। क्षत्रिय भी कुपित होने पर अपनी शक्ति भर शत्रु को भस्म करने की चेष्टा करता है, परंतु ब्राह्मण जब कुपित होता है तब वो अपनी दृष्टि और संकल्प से अपमान करने वाले पुरुष के संपूर्ण कुल को दग्ध कर डालता है। इसलिए समझदार मनुष्य को यत्न पूर्वक इन तीनों की सेवा करनी चाहिए। गुरु के साथ
कभी हठ नहीं ठानना चाहिए। युधिष्ठिर, यदि गुरु अप्रसन्न हो तो उन्हें हर तरह से मान देकर मनाकर प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। गुरु प्रतिकूल बर्ताव करते हो तो भी उनके प्रति अच्छा ही बर्ताव करना उचित है, क्योंकि गुरु निंदा मनुष्यों की आयु को दग्ध कर देती है, इसमें संशय नहीं है। अपना हित चाहने वाला मनुष्य घर से दूर जाकर पेशाब करे, दूर ही पैर धोए और दूर पर ही जूठे फेंके। प्रभु, विद्वान पुरुष को लाल फूलों की नहीं श्वेत पुष्पों की माला धारण करनी चाहिए, परंतु कमल और कुवलय को छोड़कर ही ये नियम लागू होता है। अर्थात कमल और कुवलय लाल हो तो भी उन्हें धारण करने में कोई हर्ज नहीं है। लाल रंग के फूल तथा वन्य पुष्प को मस्तक पर धारण करना चाहिए। सोने की माला पहनने से कभी अशुद्ध नहीं होती। प्रजानाथ, स्नान के पश्चात मनुष्य को अपने ललाट पर गीला चंदन लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को कपड़े में कभी उलटफेर नहीं करना चाहिए, अर्थात उत्तरीय वस्त्र को अधो वस्त्र के स्थान में और अधो वस्त्र को तृतीय वस्त्र के स्थान में न पहने। नरश्रेष्ठ, दूसरे के पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिसकी कोर फट गई हो उसको भी नहीं धारण करना चाहिए। सोने के लिए दूसरा वस्त्र होना चाहिए, सड़कों पर घूमने के लिए दूसरा और देवताओं की पूजा के लिए दूसरा ही वस्त्र रखना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष राई, चंदन, बिल्व, तगर तथा केसर के द्वारा पृथक पृथक अपने शरीर में उबटन लगाएं। मनुष्य सभी पर्वों के समय स्नान करके पवित्र हो, वस्त्र एवं आभूषणों से विभूषित होकर उपवास करे तथा पर्व काल में सदा ही ब्रह्मचर्य का पालन करे। जनेश्वर, किसी के साथ एक पात्र में भोजन ना करे, जिसे रजस्वला स्त्री ने अपने स्पर्श से दूषित कर दिया हो ऐसे अन्न का भोजन ना करे, एवं जिसमें से सार निकल गया हो ऐसे पदार्थ को कदापि भक्षण ना करे, तथा जो तरसती हुई दृष्टि से अन्न की ओर देख रहा हो उसे दिए बिना भोजन ना करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो किसी अपवित्र मनुष्य के निकट अथवा सत्पुरुषों के सामने बैठकर भोजन ना करे। धर्मशास्त्रों में जिनका निषेध किया गया है ऐसे भोजन को पीठ पीछे छिपाकर भी ना खाए। अपना कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुष को पीपल, बड़ और गूलर के फल का तथा सन के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष हाथ में नमक लेकर न चाटे, रात में दही और सत्तू न खाए। मांस अखाद्य वस्तु है, उसका सर्वथा त्याग कर दे। प्रतिदिन सवेरे और शाम को ही एकाग्रचित्त होकर भोजन न करे। बीच में कुछ भी खाना उचित नहीं है। जिस भोजन में बाल पड़ गया हो उसे न खाए तथा शत्रु के श्राद्ध में कभी अन्न ग्रहण न करे। भोजन के समय मौन रहना चाहिए। एक ही वस्त्र धारण करके अथवा सोए सोए कदापि भोजन न करे। भोजन के पदार्थ को भूमि पर रखकर कदापि न खाए। खड़ा होकर या बातचीत करते हुए भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। प्रजानाथ, बुद्धिमान पुरुष पहले अतिथि को अन्न और जल देकर पीछे स्वयं एकाग्रचित्त हो भोजन करे। हे नरेश्वर, एक पंक्ति में बैठकर सबको एक समान भोजन करना चाहिए। जो अपने सुहृद जनों को न देकर अकेला ही भोजन करता है वो हालाहल विष ही खाता है। पानी, खीर, सत्तू, दही, घी और मधु, इन सब को छोड़कर अन्य भक्ष्य पदार्थों का अवशिष्ट भाग दूसरे किसी को नहीं देना चाहिए। पुरुष सिंह, भोजन करते समय भोजन के विषय में शंका नहीं करनी चाहिए, तथा अपना भला चाहने वाले पुरुष को भोजन के अंत में दही नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के पश्चात कुल्ला करके मुंह धोले और एक हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे पर पानी डाले। फिर प्रयोग कुशल मनुष्य एकाग्रचित्त हो अपने हाथ को सिर पर रखे, जिसके बाद अग्नि का मन से स्पर्श करे। ऐसा करने से वो कुटुंबी जनों से श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। इसके बाद जल से आंख, नाक आदि इंद्रियों और नाभि का स्पर्श करके दोनों हाथों की हथेलियों को धो डाले। धोने के पश्चात गीले हाथ लेकर ही ना बैठ जाए। अंगूठे का अंतराल ब्रह्म तीर्थ कहलाता है। कनिष्ठा आदि अंगुलियों का पश्चात भाग देव तीर्थ कहलाता है। भारत, अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं।
उसके बाद शास्त्र विधि से जल लेकर सदा पितृकार्य करना चाहिए। अपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को दूसरों की निंदा तथा अप्रिय वचन मुंह से नहीं निकालने चाहिए और किसी को क्रोध भी नहीं दिलाना चाहिए। पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप की इच्छा ना करें, उनका दर्शन भी त्याग दें और उनके संपर्क में कभी ना जाएं। ऐसा करने से मनुष्य बड़ी आयु पाता है। दिन में कभी मैथुन न करें, कुमारी कन्या और कुलटा के साथ कभी समागम न करें। अपनी पत्नी भी जब तक ऋतुस्नाता न हो तब तक उसके साथ समागम न करें। इससे मनुष्य को बड़ी आयु प्राप्त होती है। कार्य उपस्थित होने पर अपने अपने तीर्थ में आचमन करके 3 बार जल पिए और 2 बार होठों को पोंछ लें। ऐसा करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पहले नेत्र आदि इंद्रियों का 1 बार स्पर्श करके 3 बार अपने ऊपर जल छिड़कें। इसके बाद वेदोक्त विधि के अनुसार देव यज्ञ और पितृ यज्ञ करें। हे कुरुनंदन, अब ब्राह्मण के लिए भोजन के आदि और अंत में जो पवित्र एवं हितकारक शुद्धि का विधान है उसे बता रहा हूं, सुनो। ब्राह्मण को प्रत्येक शुद्धि के कार्य में ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए। थूकने और छींकने के बाद जल का स्पर्श करने से वो शुद्ध होता है। बूढ़े कुटुंबी, दरिद्र मित्र और कुलीन पंडित यदि निर्धन हो तो उनकी यथाशक्ति रक्षा करनी चाहिए, उन्हें अपने घर पर ठहराना चाहिए। इससे धन और आयु की वृद्धि होती है। परेवा, तोता और मैना आदि पक्षियों का घर में रहना अभ्युदयकारी एवं मंगलकारी है। ये तैलपायिक पक्षियों की भांति अमंगल करने वाले नहीं होते। देवता की प्रतिमा, दर्पण, चंदन, फूल की लता, शुद्ध जल, सोना और चांदी, इन सब वस्तुओं का घर में रहना मंगलकारक है। उद्दीपक, गीध, कपोत और भ्रमर नामक पक्षी यदि कभी घर में आ जाए तो सदा उसकी शांति ही करानी चाहिए, क्योंकि ये अमंगलकारी होते हैं। महात्माओं की निंदा भी मनुष्य का अकल्याण करने वाली है। महात्मा पुरुषों के गुप्त कर्म कहीं किसी पर प्रकट नहीं करने चाहिए। पराई स्त्रियां सदा अगम्य होती हैं, उनके साथ कभी समागम ना करें। राजा की पत्नी और सखियों के पास कभी भी ना जाएं। राजेंद्र, हे युधिष्ठिर, वैद्यों, बालकों, वृद्धों, भृत्यों, बंधुओं, ब्राह्मणों, शरणार्थियों तथा संबंधियों की स्त्रियों के पास कभी ना जाएं। ऐसा करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। मनुजेश्वर, अपनी उन्नति चाहने वाले विद्वान पुरुष को उचित है कि ब्राह्मण के द्वारा वास्तु पूजन पूर्वक आरंभ कराए और अच्छे कारीगर के द्वारा बनाए हुए घर में सदा निवास करे। राजन, बुद्धिमान पुरुष सायंकाल में गोधूल की वेला में ना तो सोए, ना विद्या पढ़े और ना भोजन ही करे। ऐसा करने से वो बड़ी आयु को प्राप्त होता है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को रात में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, भोजन करके केशों का संस्कार भी नहीं करना चाहिए तथा रात में जल से स्नान करना भी उचित नहीं है। हे भरत नंदन, रात में सत्तू खाना सर्वथा वर्जित है। अन्न भोजन के पश्चात जो पीने योग्य पदार्थ और जल शेष रह जाते हैं उनका भी त्याग कर देना चाहिए। रात में न स्वयं डटकर भोजन करे और न दूसरे को ही डटकर भोजन कराए। भोजन करके दौड़े नहीं, ब्राह्मणों का वध कभी ना करें। जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई हो, उत्तम लक्षणों से प्रशंसित हो तथा विवाह के योग्य अवस्था को प्राप्त हो गई हो, ऐसी सुलक्षणा कन्या के साथ श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष विवाह करे। भारत उसके गर्भ से संतान उत्पन्न करके वंश परंपरा को प्रतिष्ठित करे और ज्ञान तथा कुल धर्म की शिक्षा पाने के लिए पुत्रों को गुरु के आश्रम में भेज दे। भरत नंदन, यदि कन्या उत्पन्न करें तो बुद्धिमान एवं कुलीन वर के साथ उसका ब्याह कर दें। पुत्र का विवाह भी उत्तम कुल की कन्या के साथ करें और भृत्य भी उत्तम कुल के मनुष्यों को ही बनाएं। भारत, मस्तक पर से स्नान करके देव कार्य तथा पितृ कार्य करें। जिस नक्षत्र में अपना जन्म हुआ हो उसमें एवं पूर्वा और उत्तरा दोनों भाद्रपदाओं में तथा कृत्तिका नक्षत्र में भी श्राद्ध का निषेध है। संपूर्ण दारुण नक्षत्रों और प्रत्यरितारा का परित्याग कर देना चाहिए। सारांश ये है
कि ज्योतिष शास्त्र के भीतर जिन जिन नक्षत्रों में श्राद्ध का निषेध किया गया है उन सब में देव कार्य और पितृ कार्य नहीं करना चाहिए। राजेंद्र, मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके हजामत बनाए, ऐसा करने से बड़ी आयु प्राप्त होती है। भरत श्रेष्ठ, सत्पुरुषों, गुरुजनों, वृद्धों और विशेषतः कुलांगनाओं की दूसरे लोगों की और अपनी भी निंदा ना करें, क्योंकि निंदा करना अधर्म का हेतु बताया गया है। नरश्रेष्ठ, जो कन्या किसी अंग से हीन हो अथवा जो अधिक अंग वाली हो, जिसके गोत्र और प्रवर अपने ही समान हो तथा जो माता के कुल में उत्पन्न हुई हो, उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। जो बूढ़ी, सन्यासिनी, पतिव्रता, नीच वर्ण की तथा ऊंचे वर्ण की स्त्री हो, उसके संपर्क से दूर रहना चाहिए। जिसकी योनि अर्थात कुल का पता ना हो तथा जो नीच कुल में पैदा हुई हो, उसके साथ विद्वान पुरुष समागम ना करे। युधिष्ठिर, जिसके शरीर का रंग पीला हो तथा जो कुष्ठ रोग वाली हो, उसके साथ तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए। हे नरेश्वर, जो मिर्गी रोग से दूषित कुल में उत्पन्न हुई हो, नीच हो, सफेद कोढ़ वाले और राज यक्ष्मा के रोगी मनुष्य के कुल में पैदा हुई हो, उसको भी त्याग देना चाहिए। जो उत्तम लक्षणों से संपन्न, श्रेष्ठ आचरणों द्वारा प्रशंसित, मनोहारिणी तथा दर्शनीय हो, उसी के साथ तुम्हें विवाह करना चाहिए। युधिष्ठिर, अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को अपनी अपेक्षा महान या समान कुल में विवाह करना चाहिए। नीच जाति वाली तथा पतिता कन्या का पाणी ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए। अग्नि का उत्पादन एवं स्थापन करके ब्राह्मणों द्वारा बताई हुई संपूर्ण वेद विहित क्रियाओं का यत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। सभी उपायों से अपनी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों से ईर्ष्या रखना उचित नहीं है। ईर्ष्या करने से आयु क्षीण होती है, इसलिए उसे त्याग देना ही उचित है। दिन में एवं सूर्योदय के पश्चात शयन आयु को क्षीण करने वाला है। प्रातः काल एवं रात्रि के आरंभ में नहीं सोना चाहिए। अच्छे लोग रात में अपवित्र होकर नहीं सोते हैं, पर स्त्री से व्यभिचार करना और हजामत बनवाकर बिना नहाए रह जाना भी आयु का नाश करने वाला है। भारत, अपवित्र अवस्था में वेदों का अध्ययन यत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए। सांध्य काल में स्नान, भोजन और स्वाध्याय कुछ भी ना करें। उस बेला में शुद्ध चित्त होकर ध्यान एवं उपासना करनी चाहिए। दूसरा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नरेश्वर, ब्राह्मणों की पूजा, देवताओं को नमस्कार और गुरुजनों को प्रणाम स्नान के बाद ही करनी चाहिए। बिना बुलाए कहीं भी ना जाएं, परंतु यज्ञ देखने के लिए मनुष्य बिना बुलाए भी जा सकता है। भारत, जहां अपना आदर ना होता हो वहां जाने से आयु का नाश होता है। अकेले परदेश जाना और रात में यात्रा करना मना है। यदि किसी काम के लिए बाहर जाएं तो संध्या होने के पहले ही घर लौटाना चाहिए। नरश्रेष्ठ, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का अविलंब पालन करना चाहिए। इनकी आज्ञा हितकर है या अहितकर, इसका विचार नहीं करना चाहिए। हे नरेश्वर, क्षत्रिय को धनुर्वेद और वेदाध्ययन के लिए भी यत्न करना चाहिए। राजेंद्र, तुम हाथी घोड़े की सवारी और रथ हांकने की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बनो, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष सुख पूर्वक उन्नतिशील होता है। वो शत्रुओं, स्वजनों और भृत्यों के लिए दुर्धर्ष हो जाता है। जो राजा सदा प्रजा के पालन में तत्पर रहता है उसे कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। भरत नंदन, तुम्हें तर्क शास्त्र और शब्द शास्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। नरेश्वर, गांधर्व शास्त्र और समस्त कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना भी तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें प्रतिदिन पुराण, इतिहास, उपाख्यान तथा महात्माओं के चरित्र का श्रवण करना चाहिए। राजा माननीय पुरुषों का सम्मान और निंदनीय मनुष्यों की निंदा करे। वो गऊओं तथा ब्राह्मणों के लिए युद्ध करे, उनकी रक्षा के लिए आवश्यकता हो तो प्राणों को भी निछावर कर दे। अपनी पत्नी भी रजस्वला हो तो उसके पास न जाए और न उसे ही अपने पास बुलाए। जब चौथे दिन वो स्नान कर ले तब रात में बुद्धिमान पुरुष उसके पास जाए।
पांचवें दिन गर्भाधान करने से कन्या की उत्पत्ति होती है और छठे दिन पुत्र की अर्थात सम रात्रि में गर्भाधान से पुत्र का और विषम रात्रि में गर्भाधान होने से कन्या का जन्म होता है। इसी विधि से विद्वान पुरुष पत्नी के साथ समागम करे, भाई बंधु संबंधी और मित्र इन सब का सब प्रकार से आदर करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार भांति भांति की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। नरेश्वर, तदनंतर गार्हस्थ्य की अवधि समाप्त हो जाने पर वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए वन में निवास करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुमसे आयु की वृद्धि करने वाले नियमों का संक्षेप से वर्णन किया है। जो नियम बाकी रह गए हैं उन्हें तुम तीनों वेदों के ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों से पूछ कर जान लेना। सदाचार ही कल्याण का जनक है और सदाचार ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। सदाचार से आयु की वृद्धि होती है और सदाचार ही बुरे लक्षणों का नाश करता है। संपूर्ण आगमों में सदाचार ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। सदाचार से धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म से आयु बढ़ती है। पूर्व काल में सब वर्णों के लोगों पर दया करके ब्रह्मा जी ने ये सदाचार धर्म का उपदेश दिया था। ये यश, आयु और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा कल्याण का परम आधार है। नरेश्वर, जो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता और कहता है वो सदाचार व्रत के प्रभाव से शुभ लोकों में जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में आयु बढ़ाने वाले साधनों का वर्णन विषयक 104वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।